चाह रही थी अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना, काफी महीनों से मैं नहीं कर पा रही थी और काफी महीनों से मैंने ये कहा हुआ था कि मेरा नया गाना आ रहा है, नया गाना आ रहा है, नया गाना आ रहा है। और मैंने फिर अभी रिसेंट वीडियो में ये भी कहा कि मेरा एक गाना नहीं, दो गाने आ रहे हैं। तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। तो अभी पहले की तैयारी है यहाँ पर और सेकेंड की भी तैयारी होगी, तो ऑफकोर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अभी फर्स्ट गाने की आज रिकॉर्डिंग है, मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि कैसा होता है और आप लोगों को कैसे लगता है। होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो इंतजार कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट आप लोगों का। थैंक यू। गाने के जो रिटेक हुआ है वो कितनी दफा हुआ है? I think 8 to 9 times, right? क्यों इतनी दफा क्यों हुआ भाई? ये इतनी दफा ये नहीं कि मैंने गलत गाया है। नहीं, आपने गलत गाया है। शॉट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेने होते हैं, अलग अलग तरीके से, तो उसकी वजह से 8 to 9 बार रिटेक हुआ है और काफी अच्छा हुआ है। जब ये मिक्स होके आएगा तो और अच्छा लगेगा। okay. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज भी खराब हो गई है जी। अच्छा, रवि भाई बताएं कि आप अपनी आवाज के लिए आजकल क्या कर रही हैं? लाइक कुछ भी नहीं कर रही, बस हो जाता है खुद ही। जब गाना आता है तो आप प्रैक्टिस करते हो, तो जब प्रैक्टिस करते हो तो आप एक रिदम में आ जाते हो, तो बस वही प्रैक्टिस करती हूँ। और खुद ही मैंने सीखा नहीं है गाना, खुद ही दिल था और ख्वाहिश थी बचपन से गाना गाने की, तो घर में बैठे बैठे चुपके से खा रहे, गा रहे, तो ऐसे करके प्रैक्टिस कर, और अब ट्राई किया है कि अपने ऑडियंस के लिए भी गाऊँ। ओके, अच्छा रवि का ये बताएं कि आपकी आवाज़ मुझे लग रहा बिल्कुल ही जा चुकी है और बिल्कुल हलक में आ रही है आवाज़, तो ये यहाँ का नतीजा है कि ताकि यहाँ से पता चले कि इस गले से गाया है। ओके, रवि का काशिफ खान, क्या आप ठंडी चीजें खाती हैं लाइक आइसक्रीम? अच्छा, मजे की बात, गोला गंडा मुझे बहुत पसंद है। मजे की बात ये है कि जब मेरी आवाज़ खराब होती है, जब मुझे फ्लू और गला खराब होता है, तो मैं तब भी ठंडी चीजें ही खाती हूँ। भाई कौन छोड़े? ओके, इत्तेफाक की बात आप लोग को बड़ी हैरानी वाली बात बताऊँ कि जब मैं खाती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, तो ये हर किसी के साथ नहीं होता होगा। और ये माइक पे वैसे बोल रही हूँ, माइक पे बात हो रही हूँ, हाँ, तो ऐसा होता है। अच्छा रवि का ये बताएं कि आपने इस गाने की प्रैक्टिस लाइक कब से कर रही हैं आप? कितने दिन में आपको ये गाना याद हुआ? समझे, एक हफ्ते में। एक हफ्ते में मतलब मेरा भाई मेरे साथ था और वो मैं इसको सुनाती थी, देखो मैं सही गा रही हूँ। एक डमी थी मेरे पास, उसी को देख के आप म्यूजिक सीखते हो, तो बस उसको प्रैक्टिस करते करते वो मुंह पे चल गया। अच्छा, आपने कहा कि आपने अपने भाई को गाना सुनाया, तो क्या आपके भाई को गानों के बारे में मालूमात है? भाई को गाने के बारे में मालूमात नहीं है, बट एक होता है ना इंसान, नहीं है गाना सुनता है तो फिर उसे म्यूजिक का अंदाजा हो जाता है कि यार नहीं, ये सुर गलत जा रहा है, यार ये टेढ़ा हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऐसे करके इसने मुझे बताया था कि एक और बार प्रैक्टिस करूँ। वैसे प्रैक्टिस करते 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 परफेक्ट। ओके, अच्छा आपके हिसाब से जो आपने आज परफॉर्मेंस दी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, क्या आपको लगता है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कोई चीज लूज की है? पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी तरफ से 99% दिया है। okay. और अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो वो मुझे ज़रूर बताते, पॉइंट आउट करते, बट इतने ज़्यादा टेक्स लिए हैं मैंने और इतने ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशन दिए, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होकर एक अच्छी वीडियो को निकल के आ जाएगी। ओके, अच्छा रवि भाई ये बताइए कि लाइक आपने जो भी हाँ माशाल्लाह, पहले इसको पॉइंट को पूरा करें, क्या माशाल्लाह क्या? नहीं मतलब माशाल्लाह, इतने सारे सवाल आप कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है जवाब दे। और ये देखें, मुझे सवाल याद नहीं है, हाँ, जो मैंने अभी परफॉर्मेंस देखी है। मेरी गोल दिखाएंगे फराज है हमारे बोल चैनल के, जो कि हर दफा मोबाइल लेके आते थे, इससे आप लोग पहचान गएंगे कौन फराज। ओके, तो क्योंकि बताएं घर में कौन प्रैक्टिस करता है आपके लाइक रवि का, इस तरह गाना गाओ, इस तरह वेरिएशंस लेकर आओ, वोकल इस तरह रखो, एक्सप्रेशन इस तरह रखो?
मेरे बाबा हैं जो मुझे बताते हैं कि ये गाना ऐसे गाना है, बिल्कुल सॉफ्ट टोन में, ऐसे थोड़ा हाई पे जाना है, थोड़ा ऐसे करके, थोड़ा एक्सप्रेशन ऐसे आने चाहिए, थोड़ा सैड हो, थोड़ा वैसे, मतलब हर चीज़ बाबा गाइड करते हैं। उसके बाद इंसान समझता है तो उसके जहन में बैठ जाता है, तो फिर उसी लिहाज से हम करते हैं। फिर भी उतनी उम्मीदों पर नहीं उतर पाती, बट ट्राई ज़रूर करते हैं। यानी कि माशाल्लाह माशाल्लाह रबीका आज जहाँ तक पहुँच चुकी हैं, लाइक हमारी मीडिया की दुनिया में, वहाँ तक रबीका की अपनी मेहनत तो है, लेकिन इनके जो बाबा हैं उनका भी बहुत लाइक साथ है आपके। रबीका, आखिरी सवाल मेरा ये, जितने भी लाइक इस गाने को लोग देखेंगे और जो भी आपके फॉलोवर्स हैं, जो इस गाने के व्यूवर्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज सिर्फ इतना है कि होपफुली आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, और ये उनकी फरमाइशों पे ही मैंने बनाया है गाना, एक अलग सा सैड सॉन्ग, एक रोमांटिक सा, तो आई होप कि पसंद आएगा, और इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है। तो